हेलो फ्रेंड्स, आज हम ये सीखेंगे कि प्राइम नंबर का प्रोग्राम किस तरह से लिख सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक्सेप्ट अ नंबर एंड चेक इफ इट इज प्राइम और नॉट। यहाँ सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि कौन से नंबर्स को प्राइम कहा जाता है। प्राइम नंबर्स वो नंबर्स है जो सिर्फ खुद से और वन से ही डिवाइड होते हैं, बाकी कोई भी नंबर से ये नंबर्स डिवाइड नहीं होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम नंबर एंटर करेंगे 9, तो इसे सारे नंबर से डिवाइड करके देखेंगे। इसका मतलब है कि हम इसे 2 से 8 के रेंज में जितने भी नंबर्स हैं सबसे डिवाइड करके देखेंगे। अब 1 और खुद से तो सारे ही नंबर डिवाइड होते हैं, इसलिए हमारे रेंज का यहाँ पे जो स्टार्टिंग नंबर है वो है 2। और क्योंकि हमने नंबर 9 एंटर किया है तो रेंज का लास्ट नंबर 8 यानी नंबर -1 है। तो देखेंगे 9 मॉड्यूलस 2 होता है 1, लेकिन 9 मॉड्यूलस 3 होगा 0, इसलिए 9 प्राइम नंबर नहीं है। अब दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। अगर हमने एंटर किया 5, तो हमारा एक डिवाइजर नंबर का रेंज है 2 to 4। अब 5 को 2 से 3 से या 4 किसी भी नंबर से अगर हम डिवाइड करके देखते हैं तो रिमाइंडर 0 नहीं आता, इसलिए 5 नंबर प्राइम नंबर है। अब अगर हमने नंबर एंटर किया 21, तो हमारे डिवाइजर नंबर का रेंज होगा 2 to 10। अब आप ये सोच रहे होंगे कि 10 क्यों? क्योंकि जनरली नंबर उसके आधे रेंज में से ही डिवाइड हो जाता है, इसलिए अगर हम 21 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 10 आएगा। तो 10 तक में से सारे नंबर से ही ये नंबर डिवाइड हो जाना चाहिए। अब प्रोग्राम लिखते हैं। अब सबसे पहले हमें नंबर इनपुट करना है, इसलिए 2 स्टेटमेंट, प्रिंटिफ और स्कैनिफ। नंबर के लिए वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे जो है n। अब हमें डिवाइजर नंबर का रेंज लिखना होगा और हमारा रेंज होगा 2 to नंबर मतलब n डिवाइड बाय 2। तो लिखेंगे फॉर i = 2 सेमीकोलन i < n डिवाइड बाय 2 i++। यहाँ i हमारा डिवाइजर का काउंटर वेरिएबल है। अब i वेरिएबल को डिक्लेयर कर लेते हैं। तो इस लूप में हम n यानी जो नंबर एंटर किया उसे सारे i से डिवाइड करके देखेंगे। अगर नंबर डिवाइड हुआ तो डिस्प्ले करना होगा कि वो नंबर प्राइम नंबर है। तो लिखेंगे इफ n मॉड i = 0 तो प्राइम नंबर नहीं होगा, इसलिए लिखना होगा प्रिंट इफ नंबर एंटर्ड इज नॉट प्राइम। लेकिन अगर हम एल्स ब्लॉक में लिखेंगे प्रिंटेफ नंबर एंटर्ड इज प्राइम, तो ये गलत होगा, क्योंकि जब तक हम सारे डिवाइजर रेंज से चेक नहीं कर लेते तब तक हम ये नहीं कह पाएंगे कि ये नंबर प्राइम है। और चेक कर लेते हैं।
अब इसे स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूट करते हैं। आउटपुट विंडो में देख रहे हैं, एंटर एनी नंबर, नंबर एंटर किया 9। अब वॉच विंडो में आई के लिए वैल्यू देते हैं और एन मॉड आई का भी रिजल्ट देख लेते हैं। अब आई का वैल्यू है 2 और एन मॉड आई का वैल्यू हो गया 1, दैट इज 9 मॉड आई का वैल्यू हो गया 1। तो ये नंबर डिस्प्ले होगा कि ये प्राइम नंबर है, जो कि गलत है, क्योंकि इसके नेक्स्ट नंबर से एन मॉड आई यानी 9 मॉड आई का वैल्यू हो जाता है 0, और इसलिए अब रिजल्ट आएगा नंबर इज नॉट प्राइम। इसका मतलब है कि जब तक हमारा लूप सारे नंबर से डिवाइड नहीं कर लेता, हम इस नतीजे पे नहीं आ सकते कि यह नंबर प्राइम है। तो अब क्या करना होगा कि जब भी नंबर नॉट प्राइम होगा तो हमें आगे देखने की जरूरत नहीं है कि यह प्राइम है कि नहीं है। तो यहां पे हम इसे ब्रेक कर लेते हैं। अब नंबर का प्राइम होना लूप के बाहर होना चाहिए, क्योंकि सारे नंबर डिवाइड होने के बाद ही हम इस कंक्लूजन पे आएंगे कि ये नंबर प्राइम है। इसलिए इस एल्स पार्ट को हम लूप के बाहर लिखेंगे। लेकिन जैसे कि हमें पता है, एल्स इफ ब्लॉक के इमीडिएटली बाद आता है, तो यहाँ पे एल्स नहीं लिख सकते। तो यहाँ पे लिखना होगा कंडीशन, और कंडीशन क्या होगा कि अगर हमें एन मॉड आई का वैल्यू 0 नहीं मिलता है तो ही ये नंबर प्राइम होगा। ऐसे सिचुएशन में हम यूज करेंगे फ्लैग माने अजम्पशन। तो क्या अज्यूम करेंगे कि सारे ही नंबर प्राइम है, मतलब लूप स्टार्ट होने के पहले इस प्राइम का वैल्यू होगा 1 यानी ट्रू। और अगर ये नंबर प्राइम नहीं है तो ये वैल्यू होगा फॉल्स यानी 0। अब अगर कोई भी आई मतलब रेंज का कोई भी वैल्यू अगर एन को डिवाइड कर लेता है तो ये अजम्पशन फॉल्स हो जाएगा माने 0 हो जाएगा। और अगर ये 0 नहीं होता है तो हमारा अजम्पशन यानी प्राइम इज इक्वल टू 1 ट्रू ही रहेगा। तो अगर हमारा अजम्पशन सही है तो हमें लिखना होगा कि ये नंबर है प्राइम। अब अगर क्वेश्चन है डिस्प्ले ऑल प्राइम नंबर्स बिटवीन 1 to 30, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें इनपुट नहीं लेना है, माने हम नंबर को एंटर नहीं करेंगे
ये नंबर मतलब n चेंज होगा 1 से लेके 30 तक, मतलब ये रेंज होगा। तो हम इसके लिए लूप लिखते हैं जो है 1 से लेके 30 तक, लेस देन इक्वल टू 30। अब हमें ये देखना होगा कि n प्राइम है कि नहीं है। तो ये जो प्राइम का कोडिंग हमने लिखा है वो हम इस लूप के अंदर लिखेंगे। अब 1 प्राइम नंबर भी नहीं है और ये कंपोजिट नंबर भी नहीं है, इसलिए हम n का जो स्टार्टिंग वैल्यू है उसे लिखेंगे 2। अब हमें प्राइम नंबर को डिस्प्ले करना है, तो नंबर डिस्प्ले होगा ना कि टेक्स्ट, इसलिए प्रिंटेफ का टेक्स्ट स्टेटमेंट हम नहीं लिखेंगे। उसके बदले हम जो प्राइम नंबर है वो नंबर लिख लेंगे। तो लिखना होगा परसेंट डी कॉमा एन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।